हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग अभी केमिकल बॉन्डिंग में बात कर रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर के कैलकुलेशन के बारे में। तो बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने वाले सीक्वेंसेस हमने अभी तक कहां तक यूज कर लिए हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच तक के सीक्वेंसेस पर हमने अभी तक बात कर लिया है। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक के सीक्वेंसेस पर हमने बात किया है अभी तक, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग अगले सीक्वेंस पर बात करेंगे। एक नाइट्रोजन का कैलकुलेशन और कर लें, तो नाइट्रोजन का कैलकुलेशन और करने के बाद फिर हम बात करेंगे अगले सीक्वेंस पर, ठीक है। तो देखिए, अब नाइट्रोजन के लिए बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेशन, तो N2 दोनों नाइट्रोजन के पास, एक नाइट्रोजन के पास अगर बैलेंस सेल केवल काउंट करते हैं। अब एक और नया तरीका भी आपको बताता हूं। तो अगर एक केवल बैलेंस सेल को काउंट करते हैं तो दो नाइट्रोजन है आपके पास, और बैलेंस सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने मिल जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल। एक नाइट्रोजन में 5 और दोनों के मिलाकर के 10, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल, 10 इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस शेल। बैलेंस सेल में कुल इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना मिल जाएगा आपको, 10 मिल जाएगा N2 में। तो बैलेंस सेल कहां से शुरू होगा, σ2s से, σ2s, σ*2s, σ2s, σ*2s, π2px इक्वल टू π2py और फिर σ2pz। दिस इज द बैलेंस सेल फॉर नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन के लिए बैलेंस सेल की सिचुएशन है, दोनों मॉलिक्यूल दोनों एटम के मिला करके, ठीक है। तो अब बैलेंस सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और ये 2, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे भी हम लोग उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ बॉन्ड ऑर्डर इज टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 इन द बैलेंस सेल। और एंटी बॉन्डिंग लेबल में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन इज देयर डिवाइडेड बाय 2, तो आ गया 6/2, आंसर आ गया 3। तो 3 इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब हमने यहां पे कितना शॉर्टकट कर लिया वो समझ में आ रहा है आपको, दैट इज σ1s, σ*1s, σ2s, σ*2s, π2px इक्वल टू π2py और σ2pz। इतने ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं नाइट्रोजन के बॉन्डिंग लेबल में। तो यहां से भी आप निकालेंगे तो आंसर सेम आएगा। देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, 14 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 14। अब भी आप आंसर करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, Nb। नाउ इन केस ऑफ Nb, 2, 4, 6, 8 and 10 इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग। एक बैलेंस सेल के अलावा भी उस 1s, σ1s, σ*1s को भी यूज किया। नाउ 6 इलेक्ट्रॉन इन, 4 इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, 4 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग लेबल में डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, 6/2, तब भी आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। इन बोथ द केसेस द आंसर इज सेम। थोड़ा यहां पे हम शॉर्टकट कर पाते हैं, थोड़ा शॉर्टकट हम कॉन्फिगरेशन को अभी कर पाए हैं, ठीक है ना। तो ये नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका। अब बात करते हैं हम लोग उन मॉलिक्यूल्स की जिनमें 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, पहले उनकी बात कर लेते हैं, फिर कंपेयर करेंगे दोनों की प्रॉपर्टीज को एक साथ, ठीक है ना। फिर दोनों में क्या क्या चीजें, क्या स्पेसिफिक बातें हैं उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं ऑक्सीजन और हायर मॉलिक्यूल्स की, या जिसके पास भी 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा। फ्लोरीन ऑक्सीजन, तो ऐसा आप कह लो O2 एंड फ्लोरीन, NO, NO, NO+, इस टाइप के जो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, इनके लिए। तो थोड़ा सा एक जगह पे केवल सीक्वेंस में चेंज आता है, देयर इज ओनली अ सिंगल चेंज, एक जगह पर केवल चेंज आएगा, σ1s, σ*1s, σ2s, शुरू से लिख रहे हैं हम लोग, मैं केवल बैलेंस सेल के अलावा बाकी भी इंक्लूड कर रहा हूं, σ1s, σ*1s, σ2s, σ2s, ठीक है,
सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई यहां पे अब एक चेंज जो आएगा वो है सिग्मा 2pz, दिस इज हियर सिग्मा 2pz, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, पाई स्ट्रिक्स 2px इक्वल टू पाई स्ट्रिक्स 2py, एंड फाइनली सिग्मा स्ट्रिक्स 2pz. तो दिस इज द टोटल सीक्वेंस फॉर हायर मॉलिक्यूल. ये उन मॉलिक्यूल्स के लिए जो ऑक्सीजन या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं, 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूल कैरी करते हैं या जिनमें ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व है, उनके लिए ये सीक्वेंसिंग अब एप्लीकेबल होगी. ओके, तो फॉर द मॉलिक्यूल्स इन विच 16 और मोर इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो दिस इज द सीक्वेंस. व्हाट इज द चेंज? देखो वहां पे क्या था, सिग्मा 2pz पाई 2py के बाद था, यहां पे सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2ps के बाद है, सिग्मा स्टार 2ps के बाद है. और ये यहां पे भी दो डीजनरेसी, वहां पर भी दो डीजनरेसी का केस, वो एज इट इज था, बाकी कोई चेंज नहीं है. ठीक, अब अगर मान लीजिए मैं आपको बिल्कुल सिंपली स्टार्ट करते हैं, हम लोग O2 का कॉन्फिगरेशन निकालते हैं, O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, वी कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन O2, O2 का बॉन्ड ऑर्डर. तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 16. बैलेंस सेल से भी आप जा सकते हो, बैलेंस सेल से जाना होगा तो 2s से स्टार्ट कर देंगे, बैलेंस सेल से जाना होगा तो 2s से स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, और अदरवाइज शुरू से भी ले सकते हैं. O2 16, 2, 4, 6, 8, 10, और ये, और 10 के बाद ये 12 और 2, 14. अब देखो यहां पे दो इलेक्ट्रॉन, दो आपके पास ऑर्बिटल है, पाई स्ट्रिक्स 2px, पाई स्ट्रिक्स 2py, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा. ठीक है, बिकॉज दोनों की एनर्जी सेम है, तो हंस रूल एप्लीकेबल होगा. एनर्जी ऑफ बोथ द ऑर्बिटल्स आर सेम एंड देयर इज हंस रूल इज एप्लीकेबल. ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब काउंट करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2, 4, 6, 8 एंड 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स है. एंटी बॉन्डिंग में चेक करिए, 2, 2, 4 एंड 5 एंड 1, 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2, 4, 5 एंड 1, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2, तो आ जाएगा आपका 4/2, आंसर आ जाएगा 2. 2 इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन. ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया ऑक्सीजन का? 2. इट इज अ पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल. इट इज अ पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल. ध्यान देंगे इस बात को, इट इज पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल बिकॉज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है, इसलिए O2 कैसा है? पैरामैग्नेटिक है. O2 इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ओके, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए O2 कैसा है? पैरामैग्नेटिक है. अब O2 के जो पॉसिबल स्पीसीज है, O2 में भी बहुत सारे पॉसिबल स्पीसीज है. ठीक है, तो देखो अब जैसे हमने कहा O2 माइनस, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, दैट इज इन 2px, 2 हो जाएगा ये, O2 2 माइनस, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे बढ़ जाएगा. ठीक है, अगर O2 प्लस हुआ, O2 प्लस, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से कम, और O2 2 प्लस, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से भी कम हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ O2. फिर से एक बार, अगर मान लीजिए हमने कहा O2 माइनस, इट मींस वन मोर इलेक्ट्रॉन इज इंक्लूडेड, वन मोर इलेक्ट्रॉन इज इंक्लूडेड, नाउ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर 17. अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17. सो देयर इज, यहां पे कॉन्फिगरेशन में क्या चेंज आएगा? पाई स्ट्रिक्स 2px 2 हो जाएगा. ओके, तो अब नाउ व्हाट हैपेंस इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर 2, 4, 6, 8, 10, 10 इन बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग 2, 2, 4, 2, 6 एंड 1, 7 इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, तो नाउ इट इज 3/2, कितना आ गया? 1.5 इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 माइनस. O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1.5. O2
माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन है O2 2 माइनस, तो O2 2 माइनस इट मींस गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक तो हम पहले इंक्लूड कर चुके हैं, एक और आ गया, तो O2 2 माइनस इज O2 16, O2 2 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 18, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास, 18 हो गए। अब काउंट करिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड 18, तो नाउ हाउ मच इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 10 इन बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग पे आइए, 2, 4, 6 एंड 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। नाउ 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 2 बाय 2, तो 2 बाय 2 इज द 1, एंड O2 2 माइनस इज डायमैग्नेटिक, O2 2 माइनस इज डायमैग्नेटिक, ओके, कैसा है ये, डायमैग्नेटिक है, बिकॉज ऑल द ऑर्बिटल्स आर पेयर्ड, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का पैर है, ऑल द ऑर्बिटल्स आर पेयर्ड, सभी ऑर्बिटल पूरे भरे हुए हैं, इसलिए कैसा होगा, दिस स्पीसीज इज अ डायमैग्नेटिक स्पीसीज, ये डायमैग्नेटिक स्पीसीज है। ठीक है, तो O2 माइनस 2, एक और सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन के अलग अलग स्पीसीज के बारे में। देखिए, जैसे मैंने माइनस टू के दो बताए, अब अगर मान लीजिए प्लस टू हो जाएगा, तो अगर O2 पे गए नेचुरल 16 पे, O2 नेचुरल 16, अब प्लस करना होगा, जैसे O2 प्लस, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, 16 में से एक कम हो गया तो 15 बचेंगे। ठीक है, तो वहां से काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं F2 की, F2, तो F2 मॉलिक्यूल का जो कॉन्फिगरेशन होगा, हैविंग एक फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन, दोनों फ्लोरीन के मिलाकर 18 इलेक्ट्रॉन, 1 फ्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 9 इलेक्ट्रॉन, और दोनों फ्लोरीन के मिलाकर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मेरे पास, 18। ठीक, तो दोनों के मिलाकर 18, तो इट्स कॉन्फिगरेशन इज लाइक O2 2 माइनस, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड 18, तो दिस इज द कॉन्फिगरेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल। तो बॉन्ड ऑर्डर देखिए यहां पे कितना आ जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 10 इन बॉन्डिंग लेबल, एंड नाउ 2, 2, 4, 2, 6 एंड 18 एंटी बॉन्डिंग लेबल डिवाइडेड बाय 2, तो दिस इज 2 बाय 2 एंड 1 इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ F2। F2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ F2 मॉलिक्यूल इज 1, F2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में भी हम अलग से अभी बात करते हैं, पहले थोड़ा सा ऑक्सीजन के बारे में बात कर ले। तो देखिए, ऑक्सीजन के जो टोटल पॉसिबल स्पीसीज है, टोटल पॉसिबल स्पीसीज ऑफ ऑक्सीजन, तो बिल्कुल सिंपली हम जा सकते हैं उस पर, O2 2 प्लस O2 प्लस O2 O2 माइनस और O2 2 माइनस, दिस इज द पॉसिबल स्पीसीज ऑफ ऑक्सीजन, ये टोटल ऑक्सीजन के पॉसिबल स्पीसीज है ना। ठीक, अब O2 2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन, 14, O2 2 प्लस 14 इलेक्ट्रॉन, इट मींस लाइक नाइट्रोजन, इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 3, तो ऐसे ध्यान रखेंगे O2 2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3, O2 2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है, ऐसे ध्यान रखेंगे। ऑल द स्पीसीज इन विच 14 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, वो सभी ग्रुप जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बॉन्ड ऑर्डर 3 होते हैं, जिनमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बॉन्ड ऑर्डर 3 होते हैं। ठीक, तो जहां भी किसी भी मॉलिक्यूल में अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको 14 मिल रहा है, तो आप ध्यान रखिए उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 इज इट्स बॉन्ड ऑर्डर, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, O2 2 प्लस तो कितना आ गया, 3, 0.5 से सबको डिक्रीज कर दीजिए, डिक्रीज बाय द 0.5। तो देखो, कॉमनली द क्वेश्चंस आर रिलेटेड इन एग्जाम विद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, है ना, कॉमनली जो
क्वेश्चन है वो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से रिलेट करेगा, या तो जैसा मैंने आपको बताया कि 14 इलेक्ट्रॉन, तो जितने भी ऐसे स्पीसीज हैं जिनमें 14 इलेक्ट्रॉन्स है उनका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, 15 का आपको पता है कि 2.15 अगर होगा तो 2.5 होगा, ठीक है, तो ऐसे भी आप याद रखना है आपको, ठीक। तो ये आ गया देखिए कितना 2.5, 0.5 से कम करना है 2, 1.5 एंड 1, तो दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑल द स्पीसीज ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के सभी स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर है, ऑक्सीजन के सभी स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर है। O2 2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर होगा 3, फिर O2 प्लस, O2, O2 माइनस, O2 2 माइनस, डिक्रीज बाय द 0.5, सबको 0.5 से डिक्रीज कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो डिक्रीज बाय द 0.5, ओके। और F2 का बॉन्ड ऑर्डर फिर से लास्ट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इधर जब आप नाइट्रोजन पर चलोगे तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर N2 प्लस, इसके बाद N2 प्लस, ठीक है, तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना 3, N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5, इसके बाद C2 बॉन्ड ऑर्डर 14 इलेक्ट्रॉन कितना 2, C2 के बाद B2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना 1, तो C2 से B2 बोरॉन तक का बॉन्ड ऑर्डर यहां पर आपको मिल गया, है ना, N2 प्लस, C2 का 2 और B2 का 1, ठीक। और इसके आगे जब हम चलते हैं O2 2 प्लस, O2 O2 प्लस, O2 O2 माइनस, O2 2 माइनस, अगेन 3 से स्टार्ट हुआ, 3, 2.5, 2, 1.5 और 1, और फ्लोरीन पर भी, F2 पर भी 1, क्योंकि O2 माइनस में 18 इलेक्ट्रॉन है और F2 के पास भी 18 इलेक्ट्रॉन है, F2 के पास भी 18 इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, तो देयर इज अ सिनेरियो ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, ओके। अब अगली बात मैंने आपसे कहा कि क्या ध्यान रखना है, वो सभी स्पीसीज जिनके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स है, मॉलिक्यूलर स्पीसीज इन विच 14 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, 14 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 3, उन सबका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा, इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 3, लाइक CN माइनस NO प्लस, और कार्बन मोनोऑक्साइड 6 और 8 14, कार्बन मोनोऑक्साइड CO 6 and 8 14, तो ऑल द स्पीसीज वेयर 14 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, जिनके पास भी 14 इलेक्ट्रॉन है उनका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, उनका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3, इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 3, ठीक है, क्लियर। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स वालों का बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, कोई सा भी एक निकाल के देख लीजिए, आप दो निकाल लेते हैं, चलिए NO प्लस, तो बैलेंस सेल काउंट कर लेते हैं, नाइट्रोजन के पास टोटल 7, तो बैलेंस सेल कितना आया 5, और ऑक्सीजन के पास टोटल 8, तो बैलेंस सेल आया 6, एक चला गया तो कितना बचा 6 बैलेंस सेल, एक आ गया, एक प्लस हो गया तो कितना बचा बैलेंस सेल 5, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 10, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर हियर इन द 10, और ऑक्सीजन इन्वॉल्व हुआ, तो द सीक्वेंस इज σ2s σ2s, सीधे बैलेंस सेल पे ले रहे हैं ना, σ2s σ2s σ2pz π2px और π2py, σ2pz π2px π2py, ठीक है, और इसकी जरूरत पड़ेगी क्या, लिख लेते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो इंक्लूड कर लेंगे, π*2px π*2py, 14 इलेक्ट्रॉन ही है तो जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है, बैलेंस सेल में कितना है 10, तो क्या हो जाएगा देखिए 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10,
ओके सो 10 इलेक्ट्रॉन इज देयर। यहां पे सिग्मा 2pz क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन आ रहा है ना, ऑक्सीजन इज देयर। ठीक, तो नाउ व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO+ का बॉन्ड ऑर्डर NO+। ठीक, तो बॉन्डिंग लेवल 2, 4, 6, 8 इन द बॉन्डिंग, 2 इन द एंटी बॉन्डिंग, 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में बाय 2, तो 6/2 द आंसर इज 3। 3 इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO+। NO+ का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3। NO+ का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। ओके नाउ नेक्स्ट, अब बात करते हैं अगले स्पेसीज पर बात करते हैं CN माइनस। तो व्हाट अबाउट CN-, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 इलेक्ट्रॉन, टोटल 14। बैलेंस सेल देखोगे तो कार्बन 6, तो 4 कार्बन के बैलेंस सेल में, नाइट्रोजन 7, तो 5 नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में, तो 5 और 4 कितने, 9। अगर बैलेंस सेल से स्टार्ट करेंगे तो किधर से, σ2s से स्टार्ट होगा, σ2s, σ2x, और दोनों के मिला के 14 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन तक का स्पेसीज है, तो σ2s, σ2s, π2px इक्वल टू π2py एंड σ2pz नाउ। दिस इज अबाउट द बैलेंस सेल, हम लोग जब केवल बैलेंस सेल की बात कर रहे हैं तब। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 9, 2, ओके 4 और 5, 9। CN माइनस है, माइनस इज द चार्ज, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन और रहेगा, 6 इज देयर, CN माइनस, तो एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, ठीक है, 2, 4, 6, 8 और 2, 10, 4, 10 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट। नाउ इन बॉन्डिंग लेवल, बॉन्डिंग लेवल में कितना है, 10, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, और ये 2, 4 और 2, 6 और 2, 8, 8 इन द बॉन्डिंग, ओके, बॉन्डिंग लेवल में 8 और एंटी बॉन्डिंग में 2/2, तो कितना आ गया, 6/2, द आंसर इज 3। तो दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CN-, तो ये CN- का बॉन्ड ऑर्डर आ गया, दिस इज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CN-। तो इसी तरह से CO, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, तो CO का बॉन्ड ऑर्डर भी आप आराम से निकाल लोगे, उसमें ऑक्सीजन वाला ऑर्बिटल है, तो σ2pz पहले आएगा, ये ध्यान रखेंगे, है ना। तो दिस इज कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, है ना, इट इज कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। तो डिफरेंट स्पीसीज के बॉन्ड ऑर्डर के बारे में हमने बात किया। एक बात ध्यान रखना है, मोर द बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, मोर द बॉन्ड ऑर्डर, स्मॉलर द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी, स्मॉलर द बॉन्ड लेंथ, स्ट्रॉन्गर द केमिकल बॉन्ड, और केमिकल बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा, मतलब बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। तो व्हाट इज द पॉइंट, मोर द बॉन्ड ऑर्डर, स्मॉलर द बॉन्ड लेंथ एंड स्ट्रॉन्गर इज द केमिकल बॉन्ड एंड हायर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक, उसको ब्रेक करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उतनी ही ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी कंज्यूम होती है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार आपको अरेंज करने के लिए बोलते हैं, इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा। अभी तो एग्जाम्स में भी, आपके जो टेस्ट पेपर्स हैं उसमें भी आपको उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे उन मॉलिक्यूल्स के बारे में जो रेजोनेंस शो करते हैं। रेजोनेंस का मतलब ये होता है जिनका एक स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है, ओके, तो उस फिनोमेना को हम कहते हैं रेजोनेंस। और वो मॉलिक्यूल जो रेजोनेंस शो करते हैं उनके बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं उसके बारे में हमको बात करना है थोड़ी सी, ठीक है। तो टॉपिक इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड
ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स शो रेजोनेंस, शो रेजोनेंस, वो मॉलिक्यूल जो रेजोनेंस शो करते हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच शो द रेजोनेंस। ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स जो बॉन्ड ऑर्डर शो करते, बॉन्ड जो रेजोनेंस शो करते हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो थोड़ा सा, क्योंकि रेजोनेंस मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक के साथ, ऑर्गेनिक का जो मैकेनिज्म है वहां पर हम लोग रेजोनेंस की बात करेंगे, वहां वो बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, लेकिन स्लाइटली चूंकि यहां पर टॉपिक आ रहा है तो इसलिए हम लोग थोड़ी सी बात यहां पर कर लेते हैं। तो देखो, जैसे एक स्ट्रक्चर है, जैसे CO2 का स्ट्रक्चर, तो नॉर्मली कार्बन के पास बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर, नाउ यू आर कंफर्टेबल विद दिस स्ट्रक्चर, तो और ये कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मल स्ट्रक्चर बना है ना, sp हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो sp हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर है ये कार्बन डाइऑक्साइड का, दिस इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अब अगर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड की कंप्लीट प्रॉपर्टी की नॉलेज चाहिए तो दिस इज नॉट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसके और भी स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे किसी पर्सन के बारे में आपको जानकारी चाहिए होगी तो ये सब उसकी सारी एक्टिविटी पता करनी पड़ेगी, कब कहाँ रहता है, कब कहाँ जाता है, कब क्या करता है, लाइक दिस। अगर वो स्टेबल टाइप का नहीं है या आपको कोई उसके उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो ठीक, तो लाइक दिस द मॉलिक्यूल्स विच शो द रेजोनेंस, उनके बारे में अगर आपको कंप्लीट उनकी प्रॉपर्टीज के इंफॉर्मेशन चाहिए तो उनके सभी स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो देखो इन दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेजोनेंस, यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर का डीलोकलाइजेशन मतलब माइग्रेशन, चलना फिरना। ठीक, इट इज डिनोटेड बाय द बोथ साइड हेडेड एरो। नाउ व्हाट हैपेंस, देखो यहां पे जो ऑक्सीजन था उसकी क्या कंडीशन हुई, दो दो चार और दो छह इलेक्ट्रॉन हो गए उसके पास, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का इसके पास शिफ्ट हुआ। तो नाउ अब अगर यहां पे डबल बॉन्ड रहेगा तो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, मॉलिक्यूल कैसा होने लगेगा, अनस्टेबल होने लगेगा, क्योंकि 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10 इलेक्ट्रॉन होने लगेंगे। तो क्या करेगा, एक बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देगा, नाउ दो इलेक्ट्रॉन यहां से वहां पे चले गए, तो दिस इज द नेगेटिव पोल, दिस इज द पॉजिटिव पोल। अब देखो 3+3, 6 and 2, 8 और 2, 2, 4, 2, 6 and 2, 8 इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो हियर, इट मीन्स अभी भी सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। और ये सिंपल सी बात है कि जब यहां से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन उसके पास डीलोकलाइज होगा या जाएगा घूमने के लिए, तो उस ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, नेचुरली आप किसी के घर जाओगे तो वो भी आपके घर आने ही वाला है कभी ना कभी, है ना। तो द नेक्स्ट कंडीशन इज व्हाट, तो द नेक्स्ट कंडीशन इज देयर, अगली कंडीशन क्या बन सकती है, तो अगली कंडीशन ये बन सकती है कि ये ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन पे आ सकता है और ये सिंगल बॉन्ड की कंडीशन पे आ सकता है और एक पेयर इसके पास अभी आया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज द टोटल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ये है, द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल का जो स्टेबल स्ट्रक्चर है, द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेजोनेंस, रेजोनेंस हाइब्रिड, इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, हिंदी में कहते हैं संकर अनुनाद, रेजोनेंस हाइब्रिड, एंड दीज टू स्ट्रक्चर्स इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट टाइम टू टाइम, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड शिफ्ट करता है या चेंज होते रहता है, इज कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो दिस इज द कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो व्हाट इज द फेनोमेना ऑफ रेजोनेंस, फाइनली व्हेन ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, व्हेन ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी जस्टिफाइड बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर, कैन नॉट बी जस्टिफाई इट सिंगल स्ट्रक्चर, बट इट इज जस्टिफाइड और इट इज स्टडीड बाय इट्स डिफरेंट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, जब किसी यौगिक के सभी गुणों को उसके एक संरचना के द्वारा
ना समझा जा सके, बल्कि उसे समझने के लिए या उसे जानने के लिए हमें उसके भिन्न भिन्न रूपों की जरूरत हो, भिन्न भिन्न संरचनाओं की जरूरत हो, तो इस क्रिया को कहते हैं अनुनाद। देन दिस फिनोमेना इज नोन एज रेजोनेंस। ओके, एंड द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड एंड इट्स अदर स्ट्रक्चर्स आर नोन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। और इसके अदर स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। और जो स्टेबल स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, हिंदी में कहते हैं संकर अनुनाद, ठीक है। तो एक बार डेफिनेशन पर हम लोग बात करेंगे, और अभी हमको बस ये चीज सीखना था, है ना। तो देखो कि अनुनाद रेजोनेंस का मीनिंग क्या है, वो ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि मैंने रेजोनेंस बताया नहीं और उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया है, ठीक है। और स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है, उसमें कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक। तो देखो, व्हाट इज द रेजोनेंस? व्हेन ऑल द प्रॉपर्टी, व्हेन ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड, ऑल द प्रॉपर्टी, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड, ऑफ अ कंपाउंड, ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन, कैन नॉट बी एक्सप्लेन, कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय इट्स सिंगल स्ट्रक्चर, बाय इट्स सिंगल स्ट्रक्चर। ओके, ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय इट्स सिंगल स्ट्रक्चर, ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय इट्स सिंगल स्ट्रक्चर, बट इट इज एक्सप्लेन विथ इट्स डिफरेंट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, इट इज एक्सप्लेन विथ इट्स डिफरेंट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, विथ इट्स डिफरेंट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स। ओके, द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, ऑफ द कंपाउंड, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगा उस कंपाउंड का, उसको क्या कहते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। इट्स ऑल अदर स्ट्रक्चर्स आर नोन एज, ऑल अदर स्ट्रक्चर्स आर नोन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इट्स ऑल अदर स्ट्रक्चर्स आर नोन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ओके, तो दिस इज द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस, इसको कहते हैं हम रेजोनेंस अनुनाद। ओके, नाउ तो एक बार हिंदी में बता देते हैं, थोड़ा हिंदी वाले बच्चों को हमारे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल जो रेजोनेंस शो करेगा, तो उसके पहले हमने बात किया रेजोनेंस के डेफिनेशन के बारे में। जब किसी यौगिक के सभी गुणों को उसके एक निश्चित संरचना द्वारा व्यक्त करना संभव न हो, बल्कि उसे व्यक्त करने के लिए उसकी भिन्न भिन्न प्रकार की संरचनाओं की आवश्यकता होती है, भिन्न भिन्न प्रकार के संरचनाओं की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इस यौगिक के सबसे स्थायी संरचना को हम कहते हैं संकर अनुनाद, एंड इट्स ऑल अदर स्ट्रक्चर, उसकी अन्य संरचनाएं जो है वो कैनोनिकल संरचनाएं कहलाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? अनुनाद कहते हैं, ठीक है। जैसा मैंने आपको CO2 के बारे में बताया कि CO2 का एक अपना स्टेबल स्ट्रक्चर है, लेकिन वही उसका स्ट्रक्चर है ये फिक्स नहीं है, वो अलग अलग स्ट्रक्चर भी शो करता है। तो जब कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जो रेजोनेंस में जा सकता है, तो उसके सभी स्ट्रक्चर की जानकारी हमको होगी, तभी हम उसकी सभी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर पाएंगे। ओके, तो दिस इज द रेजोनेंस। अब हाउ टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। अब हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे उन मॉलिक्यूल्स का जो रेजोनेंस शो करते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम लोग यहां पे बॉन्ड ऑर्डर को कवर कर रहे थे, तो अब उन मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ऑर्डर को हम नहीं छोड़ सकते हैं जो रेजोनेंस शो करते हैं, इसलिए हमें रेजोनेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी की जरूरत भी पड़ी, है ना। और हमने उसको अभी अपने काम तक सॉल्व कर लिया, अब उसके बाद हम लोग
उसके स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे, ठीक है। तो हाउ टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर, तो दिस इज टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नंबर भी यहां पे चाहिए होगा। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ओके, तो बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ओके। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे CO2 के बारे में, तो दो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, ठीक है, कितने, चार बॉन्ड्स हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर फोर, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कितने स्ट्रक्चर बन रहे थे इसके, दो, टू मोर स्ट्रक्चर इज देयर, टू मोर स्ट्रक्चर इज देयर, है ना। वैसे ऐसा हर बार नहीं कह सकते, लेकिन कॉमनली ऐसा ध्यान रख सकते हैं कि जितने ऑक्सीजन है उतने बार ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो CO2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर फोर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज टू, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO2 इज टू, CO2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल आएगा, टू निकल के आ जाएगा, टू इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO2, ठीक है, टू इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO2। अब बात करते हैं इसके दूसरे स्ट्रक्चर के बारे में, टफ नहीं है, थोड़े से स्ट्रक्चर्स अगर दिखेंगे ना तो बहुत आराम से बनने लगेंगे। अब देखो, जैसे मैं कहा कार्बोनेट CO3 टू माइनस, तो क्या चाहिए मुझे, कार्बोनेट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए बस, ठीक है। तो देखो कार्बोनेट CO3 टू माइनस, ओके, CO3 टू माइनस, है ना, तो CO3 टू माइनस, ये कार्बोनेट का स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट। अब तीन ऑक्सीजन है इसके पास, मतलब कभी ना कभी हर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की पोजीशन पर आएगा, अभी एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पर है, थोड़ी देर बाद अगला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पर आएगा, थोड़ी देर बाद अगला, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर टू, वन थ्री एंड वन फोर, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने, थ्री, दिस कंपाउंड गिव थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर फोर, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर थ्री, तो बॉन्ड ऑर्डर इज 1.33, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 1.33 इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल, तो कार्बोनेट का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1.33। अब बात करते हैं CLO4 माइनस, CLO4 माइनस, तो देखो Cl के पास टोटल बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने, सात, क्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन सात, ठीक, जिसमें से तीन पेयर के साथ वो बना लेगा, ऑक्सीजन के साथ जोड़ लेगा, और एक एक ऑक्सीजन जो है वो उसका नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, CLO4 माइनस, लाइक दिस, दो, चार, छः, और एक ऑक्सीजन यहां पे माइनस, ओके, तो दिस इज CLO4 माइनस, ओके, और ये ऑक्सीजन अभी सिंगल बॉन्ड पे है, तो कभी ना कभी सभी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड पे आएंगे, इट मीन्स फोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज पॉसिबल ऑफ दिस कंपाउंड, फोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज पॉसिबल। नाउ बॉन्ड्स आर सेवन, दो दो चार दो छह और एक सात, तभी एक नेगेटिव चार्ज है, तभी एक बॉन्ड्स का रिमेनिंग है, ठीक है ना, सेवन बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज फोर, तो सेवन बाय फोर, तो सब फोर वन जा फोर, कितना कैरी हो गया, थ्री, फोर सेवन जा 28, ठीक है ना, फोर वन जा फोर, थ्री बचा, फोर सेवन जा 28, तो बचा 1.75 इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CLO4 माइनस, राइट नाउ, तो CLO4 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.75। एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज के बारे में हम बात करेंगे, देखिए यहां पे एक बात ध्यान रखना है, बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन टू एटम्स, बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन टू एटम्स, ठीक, तो जैसे हम बेंजीन की बात करते हैं, तो बेंजीन की जब आप बात करोगे, वैसे आपको मैं हमेशा इसकी सलाह दूंगा कि आप सीधे सीधे याद रखना, लेकिन फिर भी आपको
कैसे कैलकुलेट होता है ये बात पता होनी चाहिए, इसलिए हम आपको बता भी दे रहे हैं। देखो अब बॉन्ड ऑर्डर, तो दो एटम के बीच का बॉन्ड है ना, दो एटम, तो दो एटम के बीच ये बॉन्डिंग, इस और इस एटम के इधर और इधर के एटम, कितने, थ्री बॉन्ड्स। हाइड्रोजन की बॉन्ड नहीं ले रहे, दो एटम के बीच की बॉन्डिंग, मतलब इस कार्बन और इस कार्बन, इस कार्बन और इस कार्बन, तो इस कार्बन के पास दो और इसके पास एक, तीन। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स कितने, थ्री। और एक बार ये डबल बॉन्ड है तो अगली बार ये भी डबल बॉन्ड होगा। व्हेन दिस वन इज डबल बॉन्डेड नाउ नेक्स्ट टाइम इट इज डबल बॉन्डेड, तो कितने बार चेंज कर सकता है, दो बार चेंज कर सकता है स्ट्रक्चर को, वन एटम चेंज स्ट्रक्चर टू टाइम्स। और टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, तो इस इन दो एटम के बीच, इन दो एटम के बीच ठीक है कितने बॉन्ड है, दो और एक तीन, दो और एक तीन। और कितनी बार, कभी ये डबल बॉन्डेड होगा, कभी ये डबल बॉन्डेड होगा, तो दो बार स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है। तो कितना आ गया, 1.5। बट डायरेक्टली मैंने आपको बोला कि ध्यान क्या रखना है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बेंजीन इज 1.5, याद रख लेंगे, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बेंजीन इज 1.5, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बेंजीन इज 1.5। बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1.5। किसी भी कार्बन की जो सिचुएशन रहती है बेंजीन के अंदर वो ऐसी रहती है, दो एटम के बीच टोटल जो बॉन्ड्स हैं वो थ्री, दो एटम के बीच, दो एटम के बीच टोटल जो बॉन्ड है वो थ्री रहते हैं, दो एटम के बीच टोटल बॉन्ड्स थ्री। और कभी ये वाला, अगर ये डबल बॉन्ड है तो थोड़ी देर के बाद ये भी डबल बॉन्ड होगा, इट मींस इट शो द टू रेजोनेटिंग, ईच कार्बन एटम शो द टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ईच कार्बन एटम शो द टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हर कार्बन दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर पाता है, ठीक है। सो द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दिस स्पीसीज इज, इसलिए इस स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5, बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर 1.5, ठीक है। बट क्लियरली इसको आप ध्यान रखो, बहुत ही बेटर रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बेंजीन इज 1.5, ठीक है। तो इट इज अबाउट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच शो द रेजोनेंस, ये हमने बात किया उन मॉलिक्यूल्स के बारे में जो रेजोनेंस शो करते हैं, ठीक है। अब बातें ध्यान रखनी है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा वो मॉलिक्यूल उतना स्टेबल होगा, ठीक है ना, मोर द बॉन्ड ऑर्डर मोर स्टेबल इज द मॉलिक्यूल, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम हो जाएगी, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो या नेगेटिव है तो कुछ पॉइंट्स और लिख लेते हैं, चलिए ठीक है। पहली बात, मोर द बॉन्ड ऑर्डर, मोर द बॉन्ड ऑर्डर पहले लिख चुके हैं हम लोग, मोर द बॉन्ड ऑर्डर मोर द स्टेबिलिटी, मोर द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ओके, स्टेबिलिटीज, मोर द बॉन्ड ऑर्डर मोर द स्टेबिलिटी। जैसे कभी कहा N2 प्लस और N2 माइनस, ठीक है। तो देखो N2 प्लस और N2 माइनस, तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3 और N2 2 माइनस कर लेते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, N2 2 माइनस, ठीक है। तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3, N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2 और N2 2 माइनस 16 पे पहुंच गया, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इज 2। अब बोला कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इज व्हाट, N2 देन N2 प्लस देन N2 2 माइनस, N2 2 माइनस, ओके। तो बॉन्ड ऑर्डर इज देयर, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर इस तरीके से इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला जाएगा, N2 इज मोर स्टेबल इन दिस केस, N2 इस केस में ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, N2 इज मोर स्टेबल इन दिस केस, ठीक। अब और अगर बॉन्ड लेंथ पूछेंगे तो भी N2 में सबसे कम होगी, बॉन्ड लेंथ N2 में सबसे
कम होगी और उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी। अब जैसे मैंने कहा O2 2+ O2 2+ O2+ O2-, और O2 2-, ऑर्डर में ही ले लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 और इसका बॉन्ड ऑर्डर 1। तो स्टेबिलिटी O2 2+ देन O2 प्लस देन O2 देन O2 माइनस एंड देन O2 2-। तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल। जिनका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। अगली बात क्या ध्यान रखना है, नेगेटिव एंड जीरो बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो है या नेगेटिव है तो क्या इंडिकेट करेगा, द मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल, है ना। क्या कहा था मैंने, नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर और जीरो बॉन्ड ऑर्डर इंडिकेट दैट स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट। नेगेटिव और जीरो बॉन्ड ऑर्डर, जीरो बॉन्ड ऑर्डर, नेगेटिव और जीरो बॉन्ड ऑर्डर इंडिकेट दैट स्पीसीज आर नॉट पॉसिबल, स्पीसीज आर नॉट पॉसिबल, वो समूह संभव नहीं होगा। द स्पीसीज आर नॉट पॉसिबल, वो समूह संभव नहीं होगा, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर हमेशा रेसिप्रोकल होगा बॉन्ड लेंथ के, तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। तो एक और पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर इज रेसिप्रोकल टू बॉन्ड लेंथ, ओके। So this is the some important points related with the bond order. In the next lecture, we are going to study about a bond length between the two atoms, bond energy, and the one more important remaining topic is the dipole moment. और कोशिश करेंगे कि अगले lecture में finish हो जाए, नहीं हुआ तो उसके next में finish कर लेंगे. Okay, commandos, thank you.